वन, तो आज के इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। और ये वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो और इसको समझो। व्हाट इज दिस आरसीआर बोलते हैं ना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये होता क्या है, इसमें व्हेनेवर ईदर द हस्बैंड, एक मिनट, When either the husband or wife, without reasonable excuse, यहाँ पे ना जब भी आप बेर एक्ट पढ़ते हो, try to demarcate it, try to read out what the bare text says. When either the husband or wife, यानी कि दोनों की बात कर रहा है, husband या wife, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal right, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, and there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. ये तो था आपका bare text reading. अब बताती हूँ क्या। जब भी marriage होता है, ठीक है? One is expected that he and she they both will be doing certain marital obligation, कुछ marital duties होता है, marital obligation होता है, वो after marriage one is bound to perform, one is expected to perform. A and B is married, okay? तो ये expect किया जाएगा कि they have entered into a holy ceremony. हिंदू मैरिज एक्ट को इट इज कंसिडर्ड सैक्रोसेंट एज आई हैव ऑलरेडी सेड, सो दे हैव एंटर्ड इनटू अ होली सेरेमनी, सो दे बोथ आर बाउंड टू परफॉर्म अ मैरिटल ऑब्लिगेशन, मैरिटल ड्यूटीज। तो क्या होता है, कई बार पार्टनर्स में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होती है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दे डोंट इवन वॉन्ट टू डू परफॉर्म दैट मैरिटल रिलेशन, सो दे स्टार्ट विदड्रॉइंग फ्रॉम द पार्टनर। यदि ऐसा होता है, कोई भी, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, किसी ने भी अपने पार्टनर के लाइफ से विड्रॉ कर लिया है खुद को, तो व्हेन ईदर, तो क्या होता है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, तो फिर जो अग्रीव पार्टी है, फॉर एग्जांपल वाइफ हैज विड्रॉन फ्रॉम द सर्कल ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, ये इसके साथ नहीं रह रही है, इसको छोड़ के चली जा रही है, ठीक है, तो ए क्या, ये जो हस्बैंड है अग्रीव पार्टी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसके काफी जो कंजुगल राइट्स जो उसको मैरिज के थ्रू प्राप्त हुए हैं, उसके रेस्टिट्यूशन के लिए वो पिटीशन कहाँ फाइल करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और इस पिटीशन से सैटिस्फाई होके, ठीक है, कि यदि पिटीशन से सैटिस्फाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कि कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है क्यों उसका पिटीशन को नहीं ग्रांट किया जाए, उसको डिग्री ग्रांट नहीं किया जाए, तो यदि बी के अगेंस्ट यू नो दे फाइंड दैट शी हैज लेफ्ट विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, विदाउट एनी यू नो रीजनेबल थॉट, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, एक डिग्री पास करेगी दैट बी शुड कम बैक। अब क्या होता है, व्हाट अबाउट यदि पार्टनर नहीं आना चाहे, तो क्या कोर्ट अरेस्ट करवा सकती है, द आंसर इज नो, ठीक है। यदि ए और बी में से ए ने, जो जो अग्रीव पार्टी है, उसने क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए उसने पिटीशन दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ये डिक्री आया कि बी को आ जाना है, बट शी डू नॉट कम्स, तो क्या शी कैन बी अरेस्टेड, नो। यदि पार्टनर एक साल तक नहीं आते हैं साथ में, ही कैन हैप्पीली आरसीआर रिजेक्ट हो जाता है, होने के बाद भी इफ शी डजंट कम, ही कैन फाइल फॉर डिवोर्स, आराम से वो डिवोर्स फाइल कर सकता है कि शी हैज नॉट कम, ठीक है। बट इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल कॉज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं समझाती हूँ, ए और बी थे,
बी ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, बट शी हैज रीजंस व्हाई शी हैज विड्रॉन. बी ने इसलिए अपने आप को विड्रॉ किया है, वो रहना तो चाह रही थी, बट उसका जो हस्बैंड ए है वो ड्रिंक करके इसको खूब मारता पीटता था, तो वे क्यों रहे, मार खाने के लिए थोड़ी ना उसके घर में वो रहेगी, नहीं ना. सो शी हैज अ सफिशिएंट रीजंस. देन इफ द इफ शी इज गिविंग सम वैलिड रीजंस व्हाई शी हैज विड्रॉन, तो फिर इसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप उस घर में वापस आइए. ऑल्सो देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस जहां पे आज के एरा में तो आपको पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, ठीक है, तो कई बार होता है ए और बी, मान लो हस्बैंड वाइफ है, बी का जॉब है बैंगलोर में और ए का जॉब है मुंबई में, हस्बैंड मुंबई में काम कर रहा है, वाइफ बैंगलोर में, तो भाई मैरिज के वजह से वो अपना काम थोड़ी ना छोड़ेगी. तो यदि वो दूर रह के भी वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रही है तो ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि शी हैज लेफ्ट द यू नो शी हैज लेफ्ट फ्रॉम द सोसाइटी, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हर हस्बैंड. तो वहां पे भी आप आरसीआर नहीं, अपना कंजुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए आप नहीं पिटीशन फाइल करोगे, दिस विल नॉट बी वैलिडेटेड. ओके, आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द हिंदू मैरिज एक्ट. And you should definitely remember restitution of conjugal rights. साधा सीधा में सिंपल बात है कि कोई एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के सोशल सर्कल से विड्रॉ कर दिया है खुद को, तो RCR का पिटीशन वो अग्रीव्ड पार्टनर देता है कि ही और शी शुड कम बैक. ओके, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस सेक्शन. आई होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल बी कमिंग फॉरवर्ड विद अ मोर लेक्चर एंड स्टे कनेक्टेड.